वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आपका दोस्त आपका होस्ट जा रहा है कचौड़ी खाने, कचौड़ी वाला की शॉप पर जो है रोहिणी के अंदर। एड्रेस आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना तो पहुंचते का कचौड़ी खाने के लिए। पहुंच चुके हैं कचौड़ी वाला पर। कचौड़ी वाला के अंदर कुछ टेस्ट करने से पहले देखिए थोड़े से सिनेमेटिक शॉट। सिनेमेटिक शॉट अगर मेरी वीडियो में ना आए तो मजा आ सकता है क्या? तो थोड़ा रेस्टोरेंट के सिनेमेटिक शॉट देखिए, फिर उसके बाद मिलती है ऑनर से और टेस्ट करते हैं कचौड़ी, कुल्लड़ वाली कचौड़ी और अलग अलग आइटम। तो भाई आपने सिनेमैटिक शॉट देख लिया है, अब मिलते हैं ओनर से। कैसे भैया? बढ़िया सर। भैया अब बताओगे आपकी कचौड़ी में क्या फेमस है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी यहाँ पे आने में? मेरे ख्याल से तो आपकी मेरठ वाली कचौड़ी आपकी फेमस है, और आपके हिसाब से उसमें क्या है क्या नहीं है थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताओगे थोड़ा? भैया जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में भेड़ भी पूरी मिलती है, अंदर से प्लेन होती है। ओके, हमारी जो कचौड़ी होती है उसमें हम उड़द की दाल की पिट्ठी डालते हैं। उड़द की दाल की पिट्ठी पिट्ठी, उसके साथ में हम आपको पेठे की सब्जी देते हैं जो की खट्टी मीठी होती है, आलू की सब्जी देते हैं रेशे की जो की तीखी होती है, और साथ में मटर पनीर देते हैं। मतलब तीन सब्जी और अपनी कचौड़ी। कचौड़ी ओके। और एक चीज और आप मैं देख रहा हूँ, कुल्लड़ वाली मैगी आपके पास में है। कुल्लड़ वाली मैगी है, कुल्लड़ वाली राजमा चावल है, कुल्लड़ वाले मटर पनीर चावल है। तो उसमें आपने कुल्लड़ के अंदर में क्या सोचा कि इसमें ऐसे रखना चाहिए, क्या टेस्ट अलग आता है क्या उसमें? भैया कुल्लड़ के अंदर जब ये मट्टी का ये कुल्लड़ बनता है, उसके बाद जब आप उसको गर्म करके उसके अंदर सर्व करते हैं तो जो आपका स्वाद है वो 10 गुना और बढ़ जाता है। तो जैसा आपने कुल्लड़ वाली चाय देखी होगी, उसी के तरीके से हमारा आप ये कुल्लड़ वाला प्रोडक्ट है। इसमें दाल चावल हो, चाहे राजमा चावल हो, चाहे कुल्लड़ वाले हमारे खस्ता कचौड़ी हो, उसका स्वाद बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो भैया अलग ही कॉन्सेप्ट है, अभी टेस्ट करते हैं कुछ कुल्लड़ वाली चीज़ें और इनकी मेरठ वाली कचौड़ी, उसके बाद में टेस्ट करके आपको रेटिंग बताते हैं क्या रेटिंग है कैसा टेस्ट है। तो मंगवाते हैं भैया से कुछ खाने के लिए। आ चुका है हमारे पास में पहले रगड़ा टिक्की। रगड़ा टिक्की के अंदर में मिली हुई है, यहाँ पे दिख रहे हैं बादाम दिख रहे हैं और उसके अंदर में काजू दिख रहे हैं, छोले हैं। टिक्की को पहले करा गया, पहले उसको दही का वो लगाया गया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है। और मिक्सचर भी डाली गई है और काफ़ी एप्पल्स भी दिख रहे हैं इसके अंदर मुझे, ये देखो एप्पल का आया। और खा के देखते हैं कैसा है, टेस्ट करता हूँ पहले। काफ़ी अच्छा टेस्ट है और टिक्की का जो टेस्ट है इसमें बिल्कुल वो क्रिस्पी है जो होना चाहिए, क्रिस्पी वैसा ही टेस्ट है और खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आ रहा है इसका। आ गई है हमारे पास कुल्लड़ वाली मैगी। मैगी जो है रोहिणी में कचौड़ी वाला की जो ज़्यादा फेमस है, खाते हैं कुल्लड़ वाली मैगी। मैगी के अंदर मैं बता दूं आपको, इसके अंदर मटर है, गाजर है और बहुत सारी चीज़ें डली हुई है। टेस्ट करते हैं और देखते क्या है। हाँ, कुल्लड़ के अंदर डल के ना कुछ अलग ही टेस्ट आ जाता है। हाँ,
लाजवाब टेस्ट है कूलर के अंदर, बताऊँ वो अलग ही टेस्ट आ गया, कोई उसका मतलब नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है इसका। आ गए हमारे पास, पहले देख लो अच्छे से, ठीक है जी। मटर पनीर आ चुके हैं, राइस मटर पनीर और राइस इसके अंदर अच्छी तरह स्टफ किया गया है पूरा, और उसके ऊपर प्याज और हरी मिर्च का ऊपर से अच्छे से लगाया गया है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। हाँ हाँ, खुशबू तो भैया घर घर जैसी आ रही है, घर जैसे राजमा वो हमारे मटर पनीर हो, जैसे घर में बने होते हैं मटर पनीर हमारी। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा पसंद बताऊँ मुझे ये आया मटर पनीर, मैं इसकी रेटिंग दूंगा 10 में से 10। मज़ा आ गया खा के, घर जैसा टेस्ट है बिल्कुल। मेरठ वाली कचौड़ी खा के देखते हैं मेरठ वाला टेस्ट आता है या नहीं आता है इसका मेरठ वाला। पहले खाने से पहले एक चीज बता दूं, इसके अंदर में जो सब्जी हमें मिली है वह मिली है हमें मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर की सब्जी तो लाजवाब है इनकी, मटर पनीर चावल जो हम खाए थे मैंने उसी के अंदर सेम वही सब्जी है, और आलू की सब्जी है, ठीक है, और ये खट्टी मीठी सब्जी है, और आलू मिले हैं यहाँ पर सूखे आलू जो होते हैं वो भी अच्छी तरह स्टफ किए गए हैं, पीछे देखो इसमें मसालों से अच्छी तरह बनाया गया है, इसको तला गया है, और हरी मिर्च। तो टेस्ट करते हैं पहले, वाह कचौड़ी कचौड़ी तो बताऊं कितनी बड़ी कचौड़ी है, देखो साइज, ये मेरे पेज इतना साइज होगा इसका, अब 6 फीट बंदा लंबा बंदा होगा उसका, ये इसका साइज देखो कितना बड़ा होगा, उतना बड़ी कचौड़ी है ये भाई। इतनी सारी चीज़ खा ली है, इतनी सारी चीज़ मैंने कभी खाई नहीं है, थैंक यू सो मच भैया इतनी सारी स्पेशल चीज़ खिलाने के लिए अपनी, और खाकर यार अलग ही फील आ रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना भाई, ठीक है, कमेंट करके बता देना कि आप यहाँ पर गए हो या नहीं गए हो, और सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा भैया आपसे, अगर आपको कैटरिंग के लिए अगर कोई बुलाए तो कैसे कॉन्टैक्ट करें आपसे? हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है, हाँ, जो है 7290969950। ओके okay. और आपने इंस्टाग्राम वाला भी बताया था, आपने इंस्टाग्राम किस नाम से आपका? कचौड़ी वाला रोहिणी। कचौड़ी वाला रोहिणी, तो भैया कचौड़ी वाला रोहिणी को फॉलो कर लेना और उनसे बात कर लेना, अलग अलग डिश भी दिखती रहेगी आपको, फोटो दिखती रहेगी, और मुझे भी साथ में फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी आपको अरुण बॉल ऑफिशियल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।